नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। लॉर्ड्स टेस्ट मैच के आखिरी दिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पे खूब हो रही है। सभी जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा की फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी ज़्यादा है। फैंस दोनों को एक साथ मैदान पर हंसी मजाक करते हुए देखना चाहते हैं। ऐसे में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के आखिरी दिन चायकाल से ठीक पहले ऐसा ही एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। दरअसल टी टाइम से पहले ईशांत शर्मा ने जॉनी बेरिस्टो को LPW आउट किया, जिसके बाद कोहली और रोहित शर्मा एक दूसरे से गले लगते नजर आए। हुआ ये कि अंपायर ने पहले ईशांत के LPW अपील को नकार दिया था। ऐसे में विराट कोहली ने गेंदबाज से बात करके रिव्यू लेने का फैसला किया। बाद में जब टीवी अंपायर ने आउट का फैसला दिया तो विराट कोहली ने अपने ही अंदाज में इस पर रिएक्ट किया। कोहली जोश से भरे नजर आए। वहीं थर्ड अंपायर का फैसला आउट आने के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली अपने साथी क्रिकेटर रोहित शर्मा को गले लगाते दिखाई दिए। इस वीडियो ने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया है। सोशल मीडिया पर हर कोई कोहली और रोहित शर्मा के बीच इस दोस्ताना बाउंडिंग की चर्चा कर रहा है। बता दें कि भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की और इंग्लिश बल्लेबाजों को पूरी तरह से घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। बता दें भारतीय क्रिकेट टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर मेज़बान इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दिया। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को दूसरे टेस्ट मैच में 151 रनों से हरा दिया। भारत ने लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर 1-0 की बढ़त बनाई। मैच के आखिरी दिन इंग्लैंड को जीत के लिए 272 रन की ज़रूरत थी, लेकिन पूरी टीम महज 120 रन पर ही ढेर हो गई। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पन इंडिया।